भागना था दुबई पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते, नेपाल के रास्ते इंडिया छोड़ने का शहजाद का प्लान। यूपी से लेकर दिल्ली तक छापेमारी, एयरपोर्ट पे लगी शहजाद की फोटो, 1998 का खुला बड़ा सच। इस्लाम में ब्याज की कमाई हराम की कमाई, लेकिन शहजाद ब्याज पर बांटता था पैसा, लेता था 10 गुना। कहीं धुआं यूं ही नहीं उठता, कहीं चिंगारी यूं ही नहीं निकलती, कुछ तो होगा जो सुलगकर अंगारे का रूप ले रहा होगा। पीएम मोदी ने बहुत सोच समझ के मोहन यादव को एमपी का सीएम बनाया। न सिर्फ पढ़े लिखे सीएम है, बल्कि उन्हें पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शहजाद का ऐसा खुलासा हुआ जिसके बाद खुद छतरपुर के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, क्या वो सच में ऐसा कर सकता था? खुद को राजा समझने वाला शहजाद ऐसा रंक निकला कि छतरपुर की जनता को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। काली कमाई से बनी इस कोठी में हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान रचा जा रहा था। एक एक सच के साथ आज शहजाद की पूरी डीएनए रिपोर्ट आपके सामने आने वाली है। शहजाद की कहानी शुरू होती है साल 2009 में 1 लाख ब्याज के साथ। प्रवीण पटेल नाम के एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए देता है, बदले में 10% के हिसाब से ब्याज वसूलता है। कुछ सालों में 1 लाख बढ़कर ब्याज पर ब्याज लगाकर 15 लाख हो जाता है। प्रवीण पटेल की जमीन कौड़ी के भाव कब्जा करता है और 35 लाख में डील हो जाती है। प्रवीण पटेल की जमीन की उस वक्त कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही थी, लेकिन शहजाद ने अपने भाइयों और पुलिस का डर दिखाकर परिवार से 35 लाख में ही जमीन खरीद ली। वहां घर बनना शुरू हुआ। दूसरी तरफ शहजाद की काली दुनिया भी खड़ी होती गई। 25 साल पहले वो अपने पिता के साथ ड्राइवरी करता था, फिर गर्म कपड़ों को दिल्ली से लाता और छतरपुर में फुटपाथ पर बेचता। शहजाद किसी बड़ी कमाई की तलाश में था। इसी बीच वो हज यात्रा पे चला जाता है। वहां से लौटता है तो उससे मिलने कई अजनबी मौलवी उसके घर पर आते जाते देखे गए। वहां से उसको सहारा मिला, भाइयों ने अपना काम बांट लिया। लेकिन ये कहानी साल 1998 से जुड़ी है। उस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम फायर ब्रांड बीजेपी नेता उमा भारती पर पत्थरबाजी होती है। उस वक्त वो एक सांसद थी। उस पत्थरबाजी में इसके भाई फैजान का नाम सामने आता है। पुलिस के रजिस्टर में वो केस दफन हो गया था, लेकिन जब मोहन यादव सीएम बने तो उन्हें ये याद आया। ये कहानी उससे बिल्कुल जुड़ी है। उमा भारती के आशीर्वाद के बिना मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार चला नहीं सकता। इससे मोहन यादव ने एक अपनी छवि बना ली और कानून ने अपना काम भी कर लिया। हालांकि एक सच अभी और बाकी था, जिसकी भनक लगते ही मध्य प्रदेश की पुलिस के आला अधिकारियों को मैदान में खुद आना पड़ा। डीएम पार्थ जायसवाल ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक शहजाद देश छोड़कर भागना चाहता था। उसके पास कई देशों के पासपोर्ट होने की बात भी सामने आ रही है। वो किसी न किसी देश का वीजा हासिल करने की फिराक में था। शहजाद बाहर किसी देश में अपना ठिकाना तलाशी रहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट से लेके तमाम एयरपोर्ट पर उसकी फोटो चस्पा कर दी गई। तो सवाल उठता है, क्या उसके पास कुछ ऐसी खास जानकारी है जिसे वो छिपाना चाहता है? पुलिस से भागने और छिपने के पीछे का तर्क क्या हो सकता है? मध्य प्रदेश पुलिस में ऐसी चर्चा चल रही है कि वो शहजाद को सही सलामत पकड़ना चाहती है। दावा किया जा रहा है कि उसके पास कई ऐसी जानकारी है जिसके लिए एनआईए को भी पूछताछ करनी पड़ सकती है। शहजाद को लोग भोला भाला मानते थे, लेकिन वो एक खिलाड़ी था, सब कुछ प्लानिंग से करता। छतरपुर में राज खड़ा करने के बाद उसने भोपाल, इंदौर और दिल्ली में भी जमीनें लिखवा ली। शहजाद का सच सामने आ रहा है कि जिस दिन थाने का घेराव किया गया उसके ठीक 1 रात पहले उसके आलीशान घर में एक बैठक हुई थी। वहां फैसला हुआ था कि थाने में घुसकर क्या करना था, थाने का तख्ता पलट करके एक बॉस को दिखाना था, ये मैसेज किसी और को देना था, लेकिन वो कौन है इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। दिखाना था कि जब हम 700 लोग थाने को घेर सकते हैं तो 70 लाख लोग दिल्ली को क्यों नहीं। इस बात पर शायद आपको अभी यकीन ना हो, पर जब पुलिस की चार्जशीट आएगी तो उसमें ये बातें लिखी जा सकती है। शहर की शाम ढल रही थी, शहजाद का मंसूबा निखर रहा था।
वक्त पे कार्रवाई न होती तो भारत में साजिश रच रहा होता।